उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले भाट पछलाना गांव से कई ग्रामीण शिव भक्त हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं और गांव में देव स्थान शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये करीब 80 किलोमीटर का सफर 4 दिन में कावड़ लेकर तय कर उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं। पिछले करीब 20 वर्ष से ज़्यादा समय से यह शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं। संपूर्ण विश्व का भला हो की कामना करते हैं और विधि विधान के साथ शिव पूजा अर्चना करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ से आए हुए हैं और कितने दिन की कांवड़ यात्रा रहती है और क्या रहता है? ऐसा है कि हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा महाकाल के क्षेत्र उज्जैन जिले से हैं और ये जो कांवड़ यात्रा हम देख रहे हैं ये उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर से ग्राम बाहर पछलाना से चलकर आई है और इसके अंदर महिला और पुरुष मिला के 700 से अधिक कांवड़ यात्री इसमें सम्मिलित हुए हैं। और किस पे करीब कितने वर्षों से यह कांवड़ यात्रा निकलती है और कितने दिन तक आप लोग जो है पैदल चलते हैं? ये कांवड़ यात्रा पिछले 22 सालों से निरंतर चल रही है और लगभग 4 दिन की पैदल यात्रा के पश्चात हमारे यात्री बाबा महाकाल के दरबार में यहाँ पहुँचते हैं और हम उनको श्रद्धा से हमारे जो साथ में कांवड़ का जल लेकर आते हैं उनको अर्पित करते हैं। रास्ते में तमाम जगह जो धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ कांवड़ यात्री पूजा पाठ करते हैं नियम संयम का पालन करते हुए और अंत में भावनापूर्वक बाबा महाकाल की सेवा में अपना शीश नमाते हैं और कांवड़ का जल को अर्पण करते हैं। कहाँ से शुरू होती है और कितने वर्षों से आप कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं? विगत 20 वर्षों से हम कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जो हमारे सुरेश्वर से भोलाबा घाट वहाँ से जाते हैं और यहाँ उज्जैन महाकाल के जल से चलते हैं। विगत हमें मतलब 20 वर्ष हो रहे हैं। करीब आपके जो गांव की दूरी भाट पछलाना उज्जैन की दूरी कितनी होगी और ये कांवड़ यात्रा कर कितने दिन तक पैदल चलते हैं आप लोग? 80 किलोमीटर के लगभग। अच्छा 80 किलोमीटर के लगभग है और करीब 500 के लगभग यात्री साथ में होते हैं। करीब कितने वर्षों से आप ये जो कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं? और 20 वर्षों से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।